पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में मिली जीत के बाद से ही ममता बनर्जी अपनी पार्टी को दूसरे राज्यों में विस्तार देने की कोशिशों में जुटी हैं और बंगाल के बाद जो राज्य टीएमसी के निशाने पर सबसे पहले आया वो है त्रिपुरा। 2018 में हुए त्रिपुरा विधानसभा चुनावों से पहले टीएमसी राज्य में मुख्य विपक्षी दल थी, लेकिन बाद में पार्टी का जनाधार कमजोर पड़ गया था। लेकिन अब टीएमसी ने त्रिपुरा को लेकर नए सिरे से रणनीति बनाई है। बंगाल की सत्ता के बाद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की नजरें अब दिल्ली की सत्ता पर टिक गई हैं। लेकिन सिर्फ बंगाल के बूते दिल्ली का किला नहीं जीता जा सकता, इस बात का एहसास ममता बनर्जी को भी है, इसलिए वो अब पार्टी के विस्तार पर जोर दे रही हैं। ममता बनर्जी गोवा के दौरे पर हैं, जहां जल्द ही विधानसभा के चुनावों का ऐलान हो सकता है, तो दूसरी ओर उनके भतीजे और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी 31 अक्टूबर को त्रिपुरा पहुंच रहे हैं। अभिषेक अगरतला में पार्टी के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अभिषेक के त्रिपुरा पहुंचने से पहले ही टीएमसी ने दूसरी पार्टियों में सेंधमारी की कोशिशें तेज कर दी हैं। टीएमसी के निशाने पर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है और दावा किया जा रहा है कि 31 अक्टूबर को अभिषेक बनर्जी के सामने बीजेपी विधायक आशीष दास टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। आशीष दास के अलावा कई और बीजेपी विधायक टीएमसी के संपर्क में हैं। आशीष दास त्रिपुरा में बिप्लव देव के विरोधी सुदीप राय बर्मन के समर्थक माने जाते हैं। वे कोलकाता में टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी कर चुके हैं। भवानीपुर सीट से ममता की जीत पर उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी माँ माटी मानुष की असली नेता बनी है। भवानीपुर उपचुनाव में उनकी भारी जीत बंगाल के लोगों के बीच उनकी अपार लोकप्रियता का एक और प्रमाण है। इस बीच टीएमसी का दावा है कि त्रिपुरा के 16 बीजेपी विधायक उनके संपर्क में हैं और धीरे धीरे ये विधायक टीएमसी में शामिल किए जाएंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।